हेलो एवरीवन, तो गाइस स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन पर। गाइस मैं निरंजन, आपका अपना स्पेशल एजुकेटर। गाइस मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ हिंदी सीखने का पार्ट टू। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बच्चे को दो अक्षर के शब्दों का बोध करवाया था। आज की वीडियो के अंदर मैं बच्चे को तीन और चार अक्षरों के शब्द का बोध कराऊंगा कि किस तरीके से हम तीन अक्षर और चार अक्षरों के शब्द हम लिख सकते हैं। तो गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुनाओ, हेलो 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 हेलो। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि अगर बच्चा हमारी चीज़ को नहीं सुन पा रहा है, नहीं उसको जो हम बच्चे को शब्द जो बोल रहे हैं उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो हम बच्चे को पहले हम बोर्ड के ऊपर लिख करके जैसे हमको बोलना है कमल कमल। तो गाइस इससे क्या होगा, बच्चे को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि उसको पता चल जाएगा कि हमको कमल कमल लिखना है और वो शब्द जो यहाँ पे है यानी कि स्वर और व्यंजन के अंदर से दोनों मिला उठा करके यहाँ पे अपनी वो पूरा शब्द को अच्छी तरह रचना कर पाएगा। तो नाउ हम पे सबसे पहले लिखें कमल, लिखो या पढ़े, पहले आप ही पढ़ो क्या लिखा ही है। कमल का में क्या आता है, का के बाद क्या आएगा का, ये क्या लिखा हुआ है और ये ल। ला का म ल कमल, और आपने क्या लिखा है का ग ज कागज, आपने क्या लिखा है कागज तो नहीं है। कागज के अंदर तो अगर आप कागज लिखोगे तो का पे तो आग की मात्रा आ जाती है। हम अभी वो कॉन्सेप्ट तो सीखा ही नहीं अभी हमने। पहले हम लिखेंगे क म ल, तो का के लिए का के बाद हम क्या लगाएंगे म म ल कमल, क्या बन गया ये कमल। तो अब हम फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। अब आपकी बार थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब हम लिखेंगे अ म र अमर, देखो अमर कहाँ पर है, अ वेरी गुड वेरी नाइस अमर, क्या बन गया ये अमर वेरी गुड। गिव मी हाई टेन, गिव मी हाई टेन। ओके अब हम लिखेंगे फसल, लिखो फसल फ गुड स सा से वेरी नाइस, देखो कहां पर सा से पर वेरी गुड फसल, क्या बन गया ये फसल। ओके अब हम लिखेंगे जगत, जगत क्या लिखेंगे जगत। वेरी गुड, क्या लिखा ये जगत। गिव मी हाई टेन। ओके अब मैं बोर्ड के ऊपर नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं आपको इसे बताऊंगा, आपको अक्षर यहाँ पे उठा करके यहाँ पे पूरे वो की रचना करनी है, ठीक है। शब्द की क्या करनी है, रचना करनी है। ओके एक सेकेंड में वेट करेंगे। नगर क्या लिखना है, नगर। वेरी नाइस, क्या लिखा है आपने नगर। गिव मी हाई फाइव। ओके तो ये थे हमारे तीन अक्षरों के शब्द। गाइस अब हम इसी तरीके से चार अक्षरों के शब्द भी करवाना बच्चे को बताएंगे कि चार अक्षर के शब्द कौन कौन से होते हैं।
अ द र क अदरक। लिखो अदरक, लिखो लिखो लिखो। वेरी गुड। वेरी नाइस। क्या बन गया ये? अदरक। अदरक गिव मी हाई टेन। अब लिखना है आपको अ ज ग र अजगर। क्या लिखोगे? अजगर। लिखो अ आप पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ पहले पढ़ो इसे। अ क्या बना? अजगर। जोर से बोलो। अजगर। अजगर। आपने क्या लिखा है? अजगड़। अजगर ये क्या होता है? ध्यान से दोबारा पढ़ो। अ ज ग र अजगर। ये आपने तो पूरा गलत लिख दिया, इसको ठीक करो पहले। इनको हटाओ। आ के बाद क्या आएगा? आ के बाद क्या आएगा? ज ज जा से जहाज। अ ज ग र अजगर। अब क्या बन गया ये? अजगर। अजगर। वेरी नाइस। चलो कोई नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। ध्यान से देखना। उ प ट न उपटन। उपटन पहले पढ़ो क्या लिखा है ये? उपटन। लिखो। उसे क्या होता है? उसे उल्लू। वेरी गुड। उठाओ देखो कहाँ पर उसे उल्लू। गुड। उ प पासे पतंग। वेरी गुड। ट वेरी नाइस। न उपटन। ओके जैसे हमने यहाँ पे लिखना नहीं लिखा था ना, ऐसे मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अब आपको मैं सिर्फ शब्द बोलूंगा और आपको उसकी रचना बनानी है, ठीक है? यानी शब्द आपको लिखने हैं। द श र थ दशरथ। वेरी गुड। दश शाशे क्या होता है? सपेरा। शाशे शाशे क्या होता है? शलगम। वेरी गुड। देखो शलगम कहाँ पर है। दश र थ दशरथ। वेरी गुड। गिव मी हाई टेन। क्या लिखा है आपने? दशरथ। दशरथ क्या लिखा? दशरथ। दशरथ ओके। अब लिखो आप उपवन। 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 गुड। क्या बन गया ये? उपवन। उपवन। गिव मी हाई टेन। शहद। शहद
कौन से अक्षरों के शब्द आएंगे इसमें? तीन, शहद, शहद। वेरी गुड, श ह द, शहद, शहद। द द दासे, दासे, दासे क्या होता है? दबाद। हाँ तो दबाद देखो कहाँ पर है, शहद। चम 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 देखो कहाँ पर है, चम चम चम। वेरी गुड, गिव मी हाई टेन। सो गाइस देखा भी आपने कि हम किस तरीके से बच्चों को शब्द लिखना सिखा सकते हैं, शब्द को पढ़ना सिखा सकते हैं। तो गाइस इन शब्दों से बच्चों को बोध भी होगा कि शा कौन सा है, पा कौन सा है, रा कौन सा है, टा कौन सा है, या गा कौन सा है। तो गाइस इन अक्षरों से यानी कि इन शब्दों से बच्चे को हम हिंदी पढ़ना और लिखना सिखा सकते हैं। सो गाइस अगर आपको लगता है कि आप बच्चे को हिंदी सिखा रहे हो या हिंदी पढ़ा रहे हो, अगर बच्चा आपके साथ इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, तो आप गाइस उसको भी इस शब्द रचना वाले एक्टिविटी से उसको सिखा सकते हो। इससे क्या होगा, बच्चा बोर भी नहीं होगा और बच्चा आपकी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहेगा, इन्वॉल्व भी रहेगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने कब हिंदी पढ़ना और लिखना सीख लिया। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ गाइस प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपके सामने मैं स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी वीडियो मिलाता रहूँ। सो गाइस थैंक यू, सो नाउ बाय 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 बाय।